साड़ी जो कि ये है ग्रीन कलर का, ये मैं नोएडा में थी तो करस्ट साड़ी मैं आप सबको दिखा दूं जो कि मैं खरीदवाई थी मानसी के पापा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज दोस्तों हमारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो हो रहा है ऑलमोस्ट साड़ी कलेक्शंस, जो कि बहुत सारा साड़ी हम लोगों ने इस बीच खरीदा है और इससे पहले काफ़ी दिन करीब नोएडा में थे तब का साड़ी कलेक्शन दिए हुए हैं। तो उसके बाद से बहुत सारा साड़ियाँ खरीदे हैं काजल, तो काजल का साड़ी कलेक्शन आज दिखाने वाला है। कौन कौन सी साड़ियाँ कितने कितने की हैं, कब कब खरीदे हैं, कहाँ कहाँ से खरीदे हैं, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, कौन सा ऑनलाइन है कौन सा ऑफलाइन है। काजल दिखाएगी आप सबको साड़ी कलेक्शन। तो मानसी बेटा का अभी बाल झाड़ रही है, इसको हटाओ ना, मैं कहाँ है कलेक्शन। काजल की स्याही जैसे आँखों की चिराग पे, दो जी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों। मानसी बेटा शायद सवाल पूछ रहे थे जिसमें सारा सवाल का जवाब दी थी, बस एक छोड़ दी थी इसलिए हार गए, है ना। याद था बेटा का, भूल गई थी, है ना। मानसी को टकली कराएंगे अब, आज लल्ला हो जाएगी टकली टकली, फिर लल्ला को बोलेंगे टकली, सब लोग बोलेंगे टकली। जो पागल होता वही बोलता है ना बेटा। हाँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से काजल दिखाइए अपना साड़ी कलेक्शन और लास्ट तक आप सब बने रहिएगा, यही आप सब लोगों से निवेदन है। तो चलिए फर्स्ट साड़ी से शुरुआत कीजिए जी। और ना तो दिखाओ ना, हम अच्छा से जूम कर करके दिखाएंगे ना, क्योंकि दोस्तों लोग भी कमेंट करते हैं कि आप लोग नज़दीक से नहीं दिखा रहे, अच्छे से नहीं दिखा पा रहे, तो इस बार दिखाएंगे अच्छे से एकदम। और चिल्ला चिल्ला के बोलना काजल, क्योंकि आवाज़ दूर दूर तक नहीं आना चाहिए, नहीं आता है। तो फ्रेंड ये वाला ना मेरा फेवरेट साड़ी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मानसी के पापा मेरे को साड़ी यही वाला खरीदे थे। तो फेवरेट मेरा खरीदे हुआ फेवरेट कब से होने लगा भाई, आप तो बोलते हो पसंद ही नहीं आता है मेरे को। तो ये इमोशंस है। ये वाला साड़ी ना मानसी पापा फर्स्ट टाइम खरीदे थे, हम मानसी उस टाइम 1.5 साल की थी, किस होली पे खरीदे थे छुट्टी में हम लोग रहते, तो मेरे पास एक भी साड़ी नहीं था, तो यही वाला साड़ी मानसी पापा ने खरीद के लाए थे। हमको तो पता ही नहीं, सच में हमें खरीद ले मैंने कहा जाओ। हाँ आप वहाँ जाओ, पता है 700 में खरीदे थे कि 300। आप भी गई थी? नहीं मैं नहीं गई थी, आप अपने भाभी के साथ गए थे। वहाँ जाइए बेटा, क्या बताओ पापा से बताओ। काई डॉक्टर मैं तो बोल साइड में, ये गर्मी है इतना। अच्छा ठीक है बेटा वहां बैठ जाओ, गर्मी हो रहा है, उधर मम्मी हो रहा है। अच्छा तो जाओ बाहर, ठीक है जाओ आप बाहर खेलो तब तक, जाओ आ जाओ उतार दूं आपको, जाओ बपी बपी चलो। तो वीडियो बन जाएगा तब चलेगा। और इसका ना ब्लाउज में अभी नहीं सिलवाया, और ये इसका बॉर्डर है, देख सकते हैं कितना ही प्यारा है। हां सिंपल से लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, और आज इसी पर मैं रील बनाऊंगी यही पहनकर। पूरे साड़ी ऐसे ही है, बस ऐसे ही है पूरे साड़ी है, तो इसको रख देते हूँ आप साइड में। और कितने खरीदे, 700 का खरीदे थे, पता नहीं 700 के 300 का, ऐसे ही खरीदे थे मार्केट से खरीदे थे, ऐसे सब्जी उब्जी लगते हैं तो उधर में भी साड़ी उड़ी देते हैं, तो वहीं से खरीद के लाए थे। साड़ी जो कि ये है ग्रीन कलर का, ये मैं नोएडा में थी तो करवा चौथ पर ऑनलाइन मंगाई थी इसको मैं, और बस एक दो बार ही पहनी हूँ ज़्यादा मैं इसको, मतलब ये इतना मतलब खड़खड़ है ना कि मेरे से अकेले पहना ही नहीं जाएगा, ये ठंड के मौसम में ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और एक छठ पूजा के दिन पहनी थी नोएडा में ही, जब मेरी ननद जी और मम्मी सासू माँ सब लोग वहाँ थे तब, देख सकते हैं ऐसा। इसका ब्लाउज मैं दी हूँ सिलने के लिए अभी, क्योंकि बताओ साड़ी खरीदे हैं नोएडा में यानी 4 साल हो गया समथिंग, 3 साल, और आज ब्लाउज सिला रही है इसका। मैं साड़ी ज्यादातर नहीं पहनती, तभी तो सब लोग गौर करते हैं काजल हर साड़ी पे एक ही ब्लाउज पहनती है। और ये वाला साड़ी मतलब ये तो मैं पहनती हूँ डेली, आप लोग देखें ये डेली नहीं, ये पूरा साड़ी ऐसे ही है, बॉर्डर बस ऐसा है, हल्का है ये भी, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। ये मानसिक पापा खरीदे थे कहीं शादी में जाना था ना तो हल्दी के लिए, और ये हमने यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम करवा चौथ किया था ना, ये वो साड़ी है। इसमें का 2 साड़ी हमने लिए थे, एक येलो कलर का ये रेड कलर का, तो ये येलो वाला दे दिए दीदी को और मतलब कि जेठानी जी को, और ये वाला हमने रख लिया है ना, काफ़ी हल्का है तो हम लोग लिए कि पहन जाएंगे ऐसे ही, तो ऐसे भारी भारी लेते हैं ना, ले कर रख देते हैं, इसलिए इसको लिए थे, देख सकते हैं ऐसा था।
एकदम हल्का है, इसको मैं पहनती हूँ, तो इसको भी कर देते हैं साइड। और अगला साड़ी मेरा है जो कि ये है ग्रीन कलर का, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये बहुत ही सुंदर है, पार्टी वियर साड़ी है, और इसको मैंने उल्टा फोल्ड करके रखा क्योंकि ये साड़ी अभी तक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला साड़ी। हाँ, क्योंकि जो देखते हैं सब लोग बोलते हैं ये वाला साड़ी कहाँ से मंगाई हो बताओ। और घर में भी फैमिली में भी काफी लोग पूछते हैं कि ये वाला साड़ी कहाँ से मंगाई हो, कहाँ से ली हो। इसको मैं उल्टा इसलिए फोल्ड करी हूँ ना क्योंकि इसका चमकीन गिर जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सितारा, मोती, मोती नहीं सितारा, तो अच्छा नहीं लगता। स्टोन, अच्छा नहीं लगता। स्टोन बोलते हैं इसको? नहीं जी, स्टोन नहीं है ये, मैं इसको, अच्छा ये देखिए अंदर से ऐसा। हाँ, तो बड़ा जालीदार बतोहर कुर्ती, ये वैसे ये भी जालीदार है, दिखा रहे इससे भी जालीदार है एक। तो अब इसको भी रख देते हैं साइड में, काफी प्यारा लगता है, मैं किधर से दिखाऊं समझ नहीं। और लास्ट तक देखिए और आप सब कमेंट में बताइएगा पूरा साड़ी कौन सा वाला साड़ी सबसे बेस्ट है, ये देखो। हाँ, ऐसा ही है पूरा साड़ी, तो मैं इसको भी रख देती हूँ साइड में। और अगला साड़ी ये है जो कि हमको कहीं फंक्शन में जाना था, तो हमने इसको मानसिक पापा से, कहाँ जाना था, फंक्शन में कहीं जाना था, कहाँ जाना था, फंक्शन में, फंक्शन फंक्शन वही पार्टी में जाना था, तो कोई बात नहीं। तो इसको भी हर बात में मैं इसलिए टोकता हूँ ताकि वहाँ से काजल सीखे। हाँ, तो इसको और वाइफ के नाते थोड़ा सा मजाक में बोल देता हूँ, मजाक मजाक के तौर। और मैं ज्यादातर साड़ी इसलिए उल्टा फोल्ड करके रखती हूँ, ये भी देखिए उल्टा ही रखी क्योंकि हमको डर रहता है, मतलब कहीं इसका सितारा मोती गिरने लगेगा, फिर कुछ दाग उग लगेगा तो इधर ही लगेगा, इधर नहीं जा पाएगा। तो मैं दिखा दूँ कि इधर मतलब ऐसे सीधा हो गया, ये पूरा कढ़ाई है और लाइट है, उल्टा ही है देखो, तो सीधा दिखाओगे तब ना देखने को मिलेगा, सीधा रहा। और काफी प्यारा कलर है, बॉर्डर 700 में लिए थे ये अपने मार्केट में से, जल्दीबाजी में। कोई आया क्या? नहीं जी, कोई आया जी देख के। तो फ्रेंड ये पार्सल मैंने ले लिया था, इसी व्लॉग में दिखा दीजिएगा, ओपन एक पार्सल आया था मैं अगले व्लॉग में, मैं बात बात नहीं मतलब ऑर्डर करती थी झगड़े झगड़े करके, अब इस टाइम मतलब कहाँ से जुगाड़ करती थी। जाओ उस साइड देखो, इस साइड ही देखो, जाओ। मैं उसी चार बार सही हार कर रखी हूँ, चार बार से बेसी है। मोटर चालू कर, चला रहे हैं, रुको। तो ये वाला साड़ी ना दोस्तों छठ पूजा पे मानसिक पापा से खरीदवाई थी, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था, ये भी 700 का ही है और बॉर्डर कुछ इस प्रकार का है, ये भी मार्केट से लिया था। हाँ, ये पर्पल कलर का है, इसको मतलब नहीं पहनती, बहुत चुभता है इसलिए रख दी हूँ। मोटर चालू करके, काम भी चल रहा है ना बाहर में, बाहर में काम भी चल रहा है घर में, तो इस वजह से थोड़ा सा भाग दौड़ हो रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट साड़ी ये है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी नोएडा से, तभी ये भी 700 में ही पड़ा था, लेकिन अभी ही इसका प्राइस एकदम कम हो गया, लेकिन ये दूसरा नेट है, एकदम सॉफ्ट है और सारा साड़ी ऐसे ही है, पैंट है, पेंटिंग। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में, काफ़ी प्यारा लगता है, बहुत भारी है। और अगला साड़ी मेरा ये है, तो ये वाला साड़ी ना एकदम हल्का है, एक मुट्ठी का है, तो मेरे से बाद वाली जो सिस्टर है ना वही दी थी कि लो तुम पहन जाना, साड़ी नहीं पहनती हो, ये हल्का है, नहीं वो होगा, ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, तो वो दी थी, काफ़ी प्यारा है भी। और ये भी गिफ्ट ही मिला है हमको साड़ी, जो कि मेहरून कलर का है, अभी काटेंगे बेटा। मेरा बर्थडे होगा कल तो ना, वेकेशन टॉय लाना, मैं उससे खेलूंगी, उसके साथ एक डॉल भी। ठीक है ठीक। और नेक्स्ट साड़ी मेरे पास जो कि है ये मेहरून कलर का, काफ़ी प्यारा साड़ी है ये और बहुत अच्छा भी लगता है मेरे ऊपर, एकदम मेहरून कलर का है, तो इसको भी सारा साड़ी में ऐसे ही है, पूरा साड़ी भर के ऐसे ही, मतलब यही डिजाइन है, तो इसको भी मैं कर देती हूँ साइड में। और अगला साड़ी जो कि मेरा ये है, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, 550 में मिला था ये भी, जो कि चुंदरी टाइप का है, पिंक कलर में है, तो काफ़ी सॉफ्ट है, ये नोएडा में थे तो मैंने ऑर्डर करी थी और बहुत बढ़िया लगता है, इसको भी रख देती हूँ साइड में। तो फ्रेंड नेक्स्ट साड़ी ये है जो कि इसको क्या बोलते हैं, स्काई ब्लू बोलते हैं, स्काई ब्लू में है, और ये साड़ी है मानसी के पापा जी ने खरीदे थे, हाँ बताना, सासू माँ के लिए छठ पूजा के दिन, ठीक। तो सासू माँ आई थी मेरे पास ना फर्स्ट टाइम, तो बहुत झोले भर के साड़ी लाए थे, 3-4 साड़ी, तो मेरे पास तो उस टाइम रखने का कुछ आइडिया था नहीं, जगह ही नहीं था, इधर से उधर भाग दौड़ में थे, तो बस मैंने 2 साड़ियाँ लिए थे, एक ये और एक जिसको मैं पहन गई, और ये वाला एक रख दी हूँ क्योंकि बोल रही थी ना कि ये तुम्हारे ससुर जी खरीदे थे छठ पूजा में हमको,
तो ले लो, तुमको अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं ले रही थी, तो जबरदस्ती दी कि एक भी साड़ी नहीं ली हो, इसी को रख लो, तो ये वाला साड़ी मैंने रख लिया। और अभी बोल रहे थे मानसी के पापा खरीदे थे, वही तो हम नहीं, मानसी के पापा जी के पापा जी। अच्छा ऐसे बोलो, हम वही सोच रहे हैं हम कब खरीदे बस। और नेक्स्ट साड़ी ये है जो कि मानसी के पापा जी लॉकडाउन में खरीदे थे, हम लोग का एनिवर्सरी था तब का, एनिवर्सरी था ना तब का है ये साड़ी हम लोग का, नोएडा में मनाए थे, तो ये अट्टा मार्केट से लिए थे, 2200 में पड़ा, लॉकडाउन में खरीदे थे, 2200 का पड़ा था, 2200 का पड़ा था ये, मतलब 2200 लायक है नहीं मेरे ख्याल में, लेकिन ये दीदी इनके भाभी इनके पसंद किए थे, पसंद की बात नहीं, लॉकडाउन में दुकान चोरी छुपे खुल रहा था ना, अरे काफी अच्छा लगता, क्या कहता नहीं, क्या अच्छा लगता, ठीक है फिर भी मेरे को ना उस टाइम साड़ी उड़ी का कुछ आइडिया नहीं था, तो वही पसंद किए थे, काफी प्यारा लगता है, इसका कलर ही देख सकते हैं, इसको भी रख देते हैं साइड में। और ये एक साड़ी है मेरे पास, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, ये हरा बोल रहे हैं, कमेंट में बताइएगा इसको कौन सा कलर बोलते हैं, अरे वही ग्रीन ब्लू है, ग्रीन नहीं स्काई ब्लू है सर, हां स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, हां अच्छा ठीक है बेटा, गर्मी से देखे कैसे बैठे हैं। और ये वाला साड़ी भी हमको काफी पसंद है, देख सकते हैं पूरी साड़ी ऐसे ही है बहुत ज्यादा, इसका कलर भी, इसका साड़ी का पूरा क्या बोलते हैं वर्क किया गया है, वो भी सारा हमको बहुत अच्छा लगता है, स्टोन वर्क है, तो इसको भी मैं जितना महंगा वहंगा साड़ी है ना, अच्छा बोलते हैं वर्क किया गया, वर्क तो उसको मैं उल्टा ही फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि हमको डर रहता है कुछ लोग उग ना जाए इसी वजह से, तो अभी इसको रख देती हूँ, अच्छे से सारे फोल्ड करूँगी दोस्तों फिर से मैं कूलर चला के, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो चलिए इसको रख देती हूँ, फिर अच्छे तरीके से फोल्ड करके रखूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और ये मेरे पास एक येलो कलर का साड़ी है, जो कि मैंने एक ही बार पहना है, नोएडा में थे ना हम लोग, तो मैं वहाँ पर नवमी करी थी फर्स्ट टाइम, नवमी का पूजा, तब मैं उसी दिन पहनी थी ये वाला साड़ी जो कि देख सकते हैं, उसके बाद मैंने एक इतना सारा साड़ी है फिर भी कहीं जाओ तो बोलते हैं मेरे पास कपड़े ही नहीं, एक ही बार मैंने पहना है, जा भाई ये निकल गया आपका, एक पता नहीं क्या है, काफी प्यारा ये भी साड़ी है देख सकते हैं, इसका ब्लाउज अभी रखे हुए से नहीं सिलवाई, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये, इसलिए मैं रख दी हूँ। और पूरे साड़ी ये ऐसे ही है जो कि मैं आप सबको दिखा दूँ, देख सकते पूरे साड़ी ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब जगह जगह ये वाला छाप दिया गया है, काम हुआ है इसमें, तो इसको भी रख देती हूँ मैं फोल्ड करके, काफ़ी खुश हो गया कि तुम ये घर रोज में पहनूंगी, बहुत प्यारा लगता है, तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और नेक्स्ट साड़ी जो कि है, इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, 700 में पड़ा था, नोएडा में थे तो, अब इसको मैं कुछ दिन पहले ही रील बनाई थी पहन कर ना, 700 से कम पड़ा है, 700 का था ये साड़ी, 700 का था, तो बस इसमें कुछ है उस टाइम ये ट्रेंड चला था, हाँ ट्रेंडिंग में था, तो मैंने मंगवाया था, प्रमोशन का था ये सब, तो इसको भी रख देते हैं साइड में, पूरा साड़ी प्रमोशन का साड़ी था, मैं भी कोई कर में तो बस बेटा थोड़ा सा बाहर जाओ ना, जल्दी कॉल ला, जल्दी ले, तब तक मानसी दो मिनट और रुक जा बेटा, और ये साड़ी मानसी पापा लिए थे 1200 में, ठीक ये कहीं जाना था हम लोग को तो अब लिए थे 1200 में शादी होदी में शायद, तो ये भी पूरे साड़ी ऐसे जॉर्जेट है और ऐसे ही सारा इस पर वर्क किया गया है, देख सकते हैं कैसे दिखाऊं मैं आप सबको इतना डेंजर वाला वर्क, तो इसको भी रख देते हैं, इसको तो आप लोगों ने देखा है कितने बार मैंने इसको पहना हुआ है, तो इसको भी रख देती हूँ। और ये साड़ी हमने लिए थे देवर जी के मटकोर के लिए, ये भी साथ ही हमारे पास आया जाता 700 का ही साड़ी है, 700 में ही लिए थे ना वो, 900 के लिए हट गए थे, मैं लास्ट 750 दी थी, इसको छुड़ाइए ना, हाँ तो ये भी मतलब ऐसे ही है फुल साड़ी और बस ऐसे छोटे छोटे काम है, और ऑरेंज कलर का इस वाले कलर का इसका आँचल है, ये रहा आँचल इसका देख सकते हैं, तो ये भी फुल साड़ी ऐसे ही है, इसको भी रख देती हूँ मैं, गर्मी हो रहा है ना आप लोग सोचेंगे क्या साड़ी कलेक्शन दे रही है, लेकिन गर्मी है इसलिए जल्दी दिखा के आप सबको फिर मैं कूलर चलाऊँगी, तो इसको भी रख देती हूँ। और ये मेरे पास एक साड़ी है पिंक बोल सकते हैं ना इसको, पिंक कलर का, काफ़ी हैवी है, डार्क पिंक, हाँ डार्क पिंक, ये सेम ही है जी चूड़ी मेरा, और ये भी हमको स्टोन का वर्क किया गया है, और क्या क्या इसमें है, बहुत भारी साड़ी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसको भी मैं रख देती हूँ, आप सब कमेंट बताइएगा आप सबको सबसे प्यारा कौन साड़ी अच्छा लगा, देख सकते हैं ये पूरे साड़ी ऐसे करके है, तो इसको भी मैं रख देती हूँ फोल्ड करके।
लास्ट साड़ी मैं आप सबको दिखा दूँ जो कि मैं खरीदवाई थी मानसी के पापा से देवर जी के बारात के लिए। ये इसका ब्लाउज है, आप लोग पूछ रहे थे ना काजल दी इस ब्लाउज कहाँ से सिलवाए हैं, अच्छे से दिखाइए। तो मैं आप सबको दिखा दूँ इसका ब्लाउज का डिज़ाइन, जो कि ये ऐसा लग जाएगा और ऐसा करके है इसका डिज़ाइन, कुछ इस तरह का है, मतलब ये ऐसे दूर जाएगा, देख सकते हैं। इतना सारा साड़ी अभी आप लोग सुने होंगे कि मानसी के पापा ने खरीदा, मानसी के पापा से खरीदवाई थी। अभी बताते हैं रुको, और जब भी बोलूँगा तो बोलेगा आप खरीदे हैं एक भी कितना खरीदे हैं अभी जब बॉक्स खोल रहे थे तो मैंने बोला कि दो पार्ट में बना देना, और भी साड़ियाँ हैं बहुत सारा, आप कब खरीदे थे, आप खरीदे हैं एक भी साड़ी? और यहाँ पे हम सुन रहे हैं उसी टाइम से कि मानसी पापा से खरीदवाई थी, इसलिए तो वहाँ गई थी तो मानसी पापा से खरीदवाई थी, तो शादी के लिए मानसी पापा से खरीदवाई थी, तो कहाँ से आया भाई, हमने खरीदा ही नहीं है। तो झगड़ा करने के बीवियों के पास इतना ज़्यादा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, और ये साड़ी का आप सबका काफ़ी डिमांड था कि इसको कहाँ से लिया। ये ना साड़ी हमको 2131 में पड़ा था, 3100 में, और काफ़ी प्यारा है, मतलब चलिए प्राइस ज़्यादा लिया है लेकिन आप सबको पसंद आया, और मुझे खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आया, देख सकते हैं। गोपालगंज से लिए थे? हाँ, गोपालगंज बारात वाला। मैंने सिर्फ पापा ही पसंद किए थे, मैं दूसरा पसंद की थी ना, लेकिन वो अच्छा नहीं था, मेरे को ये पहनने के बाद पता चला, क्योंकि वो थोड़ा सा जॉर्जेट टाइप का था, और ये इसका आँच चल रहा है, देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा बनाया गया। हाँ, और इसका बॉर्डर पर ये ग्रीन टाइप का दिया है ना, ये हमको बहुत पसंद है, और ऐसे ही साड़ी ना मैं एक दो और खरीदवाऊंगी मैंने से पापा से, क्योंकि हमको बीच में अभी कहीं जाना है, तो फिर बाद में बोलेगी आपने खरीदा एक भी साड़ी, दो साड़ी खरीदवाऊंगी। और इसको मैं कूलर चलाऊंगी, पहले मैं अच्छे से इसको फोल्ड करना है, मुझे ऐसे ही नहीं रखना है। तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने दिखाया साड़ी कलेक्शन आप लोगों को, इसमें से कौन सा साड़ियाँ सबसे बेस्ट लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट साड़ी वाला चाहिए, इससे हटके भी और भी साड़ियाँ हैं कई सारे, तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे। कई साड़ियाँ ऐसा है जो गिफ्टेड है, तो वो भी दिखा देंगे आप सबको। एक और दिखा रहे हैं आप सबका, उस टाइम बहुत ज़्यादा कमेंट था कि ये वाला ब्लाउज आपने कहाँ कैसे सिलवाया है, इसको भी मैं दिखा दूँ आप सबको। तो वो कमेंट था कैसे सिलवाया है, तो बता देना दुकान से सिलवा, इसको डिजाइन दिखाइए काजल जी, मुझे भी। तो रुके बैक कैमरा, तो इसका एक ये छोरी मैंने अलग से परचेस कर, मतलब डिजाइन दिखा के उनको सिलने को बोला था, और ये जो हुक है यहाँ लग जाएगा, और पीछे ये बांधने वाला है। इंस्टाग्राम पर भी मैं रील बनाई थी ना, तो आप लोग बोल रहे थे दिखाओ, तो देख सकते इस प्रकार का कुछ है इसका डिजाइन, ये यहाँ बांध जाएगा। तो आप सब ने सारे कलेक्शन देख लिए, और चलिए आप सब अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, आप सबको और भी साड़ियाँ हैं जो कि दिखाएंगे, कई साड़ियाँ गिफ्टेड है, कई साड़ियाँ खरीदे हैं और भी इसके अलावा, तो वो सब भी अगर आप लोग का डिमांड रहा तो जरूर दिखाएंगे। तो अगले ब्लॉग का आप लोग कमेंट कीजिएगा इस ब्लॉग में कि आप लोग को चाहिए सेकंड पार्ट या नहीं। और ना दोस्तों, मैं ज्वेलरी में भी शादी में कुछ कुछ ज्वेलरी ली हूँ, तो आप सबका कमेंट रहा था, ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाएंगे। और बाकी ये एक गिफ्ट मंगाया है जो कि बहुत ही प्यारा है, तो क्या गिफ्ट है जो कि काजल ने मंगाया है वो भी अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबका प्यार हम पे बनाए रखिए, और आप सबके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, तो चलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस प्यार से ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।